हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहने को नगर निगम चुनाव था हैदराबाद, पर इसने बीजेपी के लिए दक्षिण का नया द्वार खोल दिया। सीटें आई 48, लेकिन अब ये 48 चेहरे हैं जो पूरे तेलंगाना में बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी ने मिशन 2024 लॉन्च कर दिया है। ऐसे में सवाल ये, क्या हैदराबाद करेगा दक्षिण में कमल का भाग्योदय? ये जयकार बहुत कुछ कह रही है। 75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों और उसको कहा जाए कि ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकास बात पर मोहर लगाई। ढोल की इन थापों की गूंज दूर तक पहुंचने वाली है। कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा और मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। ये जोश कई गुना होने जा रहा है। और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। ये आतिशबाजी कामयाबी का नया आसमान दिखा रही है। हैदराबाद की कामयाबी से कई दिल बैठ रहे हैं। अब बीजेपी अगर मेरा नाम लेकर ये समझती है कि उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो ये बिल्कुल गलत है। हैदराबाद में बीजेपी का दफ्तर चार मीनार से कोई 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जोश ये जश्न दिखा रहा है कि मकसद सिर्फ चार मीनार नहीं, सिर्फ हैदराबाद नहीं, सिर्फ तेलंगाना नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत है। ये बीजेपी का अश्वमेघ है जिसका लक्ष्य सिर्फ 2024 नहीं, अगले कई साल हैं, कई दशक हैं। बीजेपी के इस अश्वमेघ का पूरा रोड मैप दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 28 साल पहले का बयान और हैदराबाद में जीत के जश्न की तस्वीरें। चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। करीब 2.5 साल पहले अमित शाह की इस भविष्यवाणी पर बहुतों ने हैरानी जताई थी, लेकिन चुनाव से पहले के हालात देखिए और फिर फर्क देखिए। 2016 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के नतीजे झट से देख लीजिए। टीआरएस 2016 में 99 सीट, 2020 में 55 सीट, एआईएमआईएम 2016 में 44 सीट और 2020 में 44 सीट, बीजेपी 4 सीट 2016 में, 2020 में 48 सीट। आमतौर पर नगर निगम चुनावों को गली मोहल्ले का चुनाव माना जाता है। हैदराबाद में बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं लगा था। पिछले चुनावों में सिर्फ 4 सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी ने हैदराबाद चुनाव को इतनी गंभीरता से लड़ा कि ओवैसी को ये बयान देना पड़ा। पूरे आ गए, कल मैं आपके कारवान में जलसा कर रहा था तो वहां पर जब मैंने कहा कि भाई सबको बुला लिए, एक को नहीं बुलाए तो मजबे से बच्चा वाला नहीं, ट्रंप को भी बुला लेना था। हैदराबाद के प्रचार में कौन कौन पहुंचा ये देखिए बीजेपी के फार ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी है, जो यहाँ पर शहीद है उन कर्तव्यों का भव्य स्मारक करा करके इस नगर को एक बार फिर से बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं, इसलिए
मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे। शाह, नड्डा और योगी के अलावा स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश जावड़ेकर भी चुनाव प्रचार में उतरे। बीजेपी ने अपने कई नेताओं को प्रचार में उतार दिया और हैदराबाद चुनाव को इतना बड़ा बना दिया कि विरोधियों के पसीने छूट गए। असर नतीजों में दिखा। 2016 में बीजेपी ने 4 सीट जीती, इस बार 48 सीटें जीती। 2016 के मुकाबले बीजेपी के 12 गुना ज्यादा पार्षद जीते। बीजेपी ने नगर निगम नहीं जीता, फिर भी जश्न। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी, फिर भी जश्न। आखिर क्यों? बीजेपी के जश्न को समझने के लिए आपको कांग्रेस का हाल देखना चाहिए। हैदराबाद नगर निगम में 25 साल कांग्रेस का मेयर रहा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम बना तब भी 3 साल कांग्रेस का मेयर था, यानी कांग्रेस का गढ़ था हैदराबाद। लेकिन अब कांग्रेस न 3 में और न 13 में, पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं दिखे। अपनी 2 सीटों को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बीजेपी 4 सीटों को मानने को तैयार नहीं थी। वजह है, बीजेपी को हैदराबाद की अहमियत पता है। इसे बीजेपी दक्षिण के दूसरे द्वार की तरह देख रही है। क्यों? इसे समझने के लिए पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को समझिए। इसमें हैदराबाद को मिलाकर 4 जिले शामिल हैं। हैदराबाद की 5 लोकसभा सीट पर असर पड़ेगा। ग्रेटर हैदराबाद की 24 विधानसभा सीटों पर असर पड़ेगा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में करीब 75 लाख वोटर हैं। नगर निगम में जीत से तेलंगाना का रास्ता खुलेगा। 75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों और उसको कहा जाए कि ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूँ। हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी की नजर तेलंगाना पर लगी है। ये बीजेपी इस जगह को काफी इम्पोर्टेंस दे रही है। वो जानते हैं कि इलेक्शन अगर जीतना चाहते हैं तो उनको बड़ी अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए और लोकल लीडर्स हैं सब टीआरएस के, तो अगर यहाँ पे शाह और नड्डा आ जाए तो इमीडिएटली नेशनल प्रेस गैल्वनाइज्ड हो जाता है, नेशनल प्रेस में बड़ी इसकी कवरेज होती है और वैसा ही हुआ। 2018 में बीजेपी को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 1 ही सीट मिली थी, हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 4 सांसद जीते। हाल ही में दुबक्का सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ये उपचुनाव जीती। इसी के बाद बीजेपी को लगा कि तेलंगाना दक्षिण में दाखिले का दूसरा द्वार साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत शक्ति बनकर आज उभर के है। ये आज का जो रिजल्ट्स है, आने वाले दिन में 2023 में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार लाने के लिए जो हम प्रयास करें, उस प्रयास में जनता का आशीर्वाद है। आप आगे बढ़ने के लिए जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। टीआरएस पार्टी फेल्यूर है। जानकार मानते हैं कि हैदराबाद नगर निगम के जरिए बीजेपी पूरे तेलंगाना और दक्षिण में पैर बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। उनको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो स्टेट के ऊपर रूल करता है वो बड़ा ही वीक हो रहा है, पीपल से उनकी पॉपुलैरिटी चले जा रही है, तो वो बीजेपी यहाँ पे घुसना चाहती है और एक कोर एजेंडा बनाना चाहती है। ये उनका एंट्री होगा साउथ इंडिया में। पहले भी वो कर्नाटक में है, परंतु हैदराबाद में इट इज लाइक, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेकन कहते हैं ना, वो वैसा होगा। बीजेपी दक्षिण में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। कर्नाटक दक्षिण में बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का अस्तित्व तो है, लेकिन वो ज्यादा मजबूत नहीं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी संघर्ष कर रही है। कुल 129 लोकसभा सीट में तमिलनाडु की 39 सीटों में बीजेपी 0, कर्नाटक की 28 सीटों में बीजेपी 25, आंध्र प्रदेश 25 सीटों में से 0, तेलंगाना 17 सीटों में से 4, केरल 20 में से 0। दक्षिण में बीजेपी के खाते में है 29 लोकसभा सदस्य। कर्नाटक को हटा दें तो ये संख्या सिर्फ 4 रह जाती है। कर्नाटक और तेलंगाना को हटा दें तो 0। केरल, तमिलनाडु और आंध्र में बीजेपी का कोई लोकसभा सदस्य नहीं है। ऐसे में बीजेपी को अखिल भारतीय पार्टी बनने के लिए हर राज्य में जगह बनाना जरूरी है और इसीलिए चाहे पंचायत का चुनाव हो या नगर निगम का, बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। उल्हामा देकर के कहा गया था कि गली के चुनाव में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है और उस समय भी हमने कहा था कि यह एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है। वोटर कोई भी हो, उसका समर्थन करना, उसको मजबूती प्रदान करना, यह हमारी जिम्मेवारी होती है। और हैदराबाद जहां 5 लोकसभा की सीटें हों, 24 विधानसभा की सीटें हों, 1.25 करोड़ से ज़्यादा की जनता हो,
75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों और उसको कहा जाए कि यह गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। बीजेपी कैसे हर चुनाव को दिल का चुनाव ही नहीं समझ रही, दिल से लड़ भी रही है। इसे समझने के लिए आपको बिहार और बंगाल चुनाव की तरफ जाना होगा। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार चल रहा था और पीएम मोदी दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल में लाइव थे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के 78,000 मतदान केंद्रों में प्रसारित किया गया था, यानी बूथ लेवल पर बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारी थी और शाह की तैयारी थी मिशन बंगाल की। शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल गए, आदिवासी के घर खाना खाया, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माँ काली के दर्शन किए और 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। मैं आपको कहकर जाता हूँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। जब बिहार में मतगणना की तैयारी थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने मिशन बंगाल को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें नड्डा से मिले बंगाल बीजेपी के बड़े नेता। यानी जब राजनीतिक दल बिहार में व्यस्त थे, तब बीजेपी बंगाल की तैयारियों में जुटी थी। अब जरा देखिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और इस वक्त नंबर 2 पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता क्या कर रहे थे। बिहार चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी गोवा में छुट्टियों पर थे। सोनिया गांधी तबियत की वजह से गोवा में थी। प्रियंका गांधी बेटे को छोड़ने शिमला गई थी। अब देखिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा क्या कर रहे हैं। हैदराबाद की जीत के बाद नड्डा देहरादून में हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी मिशन 2021 और 2024 में जुट चुकी है। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर डालिए। असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 100 दिन का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें वो पार्टी नेताओं और कैडर के साथ मुलाकात करेंगे। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटकर प्लान भी तैयार किया गया है। बीजेपी की इन्हीं तैयारियों के चलते विरोधी पार्टियों की हालत खस्ता है, जिसका असर विपक्ष के नेताओं पर दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पार्टियों के अंदर इसी हताशा को दिखाता है। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे। हताशा को आप ऐसे भी देखिए, जुलाई 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से करीब 17 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकी। सोनिया गांधी अब तक कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वहीं बीजेपी में जेपी नड्डा अपना अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। पिछले 20 साल में कांग्रेस में सोनिया और राहुल को छोड़कर कोई अध्यक्ष नहीं बना, जबकि 20 साल में बीजेपी के 8 नेता अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, जिसमें 6 राज्यों से जुड़े नेता शामिल हैं। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी में देखिए सोनिया गांधी है, उनकी बहुत ही वीक है, तो उनके पीछे लोग कैसे खड़े रहेंगे। राहुल गांधी उनके पीछे कैसे लोग खड़े रहेंगे, इसलिए बीजेपी स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि बीजेपी के पास स्ट्रांग लीडर्स है। ये उस कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान है जिसकी नेता इंदिरा गांधी बहुमत के बाद भी उपचुनावों को भी गंभीरता से लेती थी। वो खुद उपचुनावों में जाकर प्रचार करती थी, लेकिन अब कांग्रेस के वो तेवर गायब हैं। बीजेपी इस मौके को कांग्रेस की जगह हासिल करने के मौके के तौर पर देख रही है। बीजेपी सिर्फ सीटें जीतने पर फोकस नहीं कर रही है, अपने कार्यकर्ता भी बढ़ा रही है। 2014 में बीजेपी के कार्यकर्ता थे 3.25 करोड़, जो 2019 में बढ़कर हो गए हैं 18 करोड़। बीजेपी की तैयारी को देखिए, हर चुनाव के लिए रिसर्च टीम बनाई जाती है, हर विधानसभा के मूड और समीकरण पर रिपोर्ट बनती है, मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट से नाम चुना जाता है। चुनाव से पहले आक्रामक प्रचार करती है बीजेपी, मजबूत संगठन से लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने का जिम्मा। नतीजा होता है ये तस्वीरें, ये जश्न। जश्न की इन तस्वीरों का असर सिर्फ हैदराबाद नगर निगम तक नहीं रहेगा, ये असर जाएगा तेलंगाना तक, ये असर जाएगा बंगाल तक, और फिर ये असर जाएगा 2024 तक, जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की लड़ाई के लिए दम आजमाएगी
और ऐसे में दक्षिण में कमल के भाग्योदय में हैदराबाद बड़ा नाम बन जाए तो हैरानी नहीं होगी।